जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। JKSSB ने क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट करवाई, फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट करवाई, लाखों की तादाद में बच्चों ने हिस्सा लिया। ग्रेजुएट्स भी बैठे, अंडर ग्रेजुएट्स भी बैठे, मैट्रिक पास भी बैठे। ये इतिहास की सबसे बड़ी ड्राइव जो थी वो JKSSB द्वारा चलाई गई। JKSSB ने कल की अगर बात करें तो उन्होंने प्रोविजनल लिस्ट जो है उसे रिलीज़ किया। परसों की अगर बात करें तो प्रोविजनल लिस्ट जो थी उसे रिलीज़ कर दिया। उससे पहले उन्होंने एक लिस्ट निकाली थी जिसमें ये बताया गया था कितने लोग अंदर हैं, कितने लोग बाहर हैं, कितने कितने मार्क्स जो हैं लोगों को मिले हैं। उसके बाद JKSSB की अगर बात करें तो उसने परसों के दिन शाम को प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी। उस प्रोविजनल लिस्ट में पॉइंट सिस्टम था, यानी कि डिविजनल कैडर, यूटी कैडर और डिस्ट्रिक्ट कैडर वाइज तमाम लोग जो थे उसके अंदर पॉइंट जिन लोगों को दिए गए थे उन लोगों को वहाँ पर चिन्हित किया गया। उसके अलावा कल शाम को JKSSB ने ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर कट ऑफ जो है पॉइंट्स की लिस्ट उन्हें जो है वो रिलीज़ कर दिया है। अब कितने लोग अंदर कितने लोग बाहर, जब कल जो लिस्ट निकाली गई प्रोविजनल लिस्ट परसों निकाली गई उस लिस्ट के अंदर तमाम बच्चे जो थे उनको बाहर निकाल दिया गया और कुछ बच्चे जो हैं उन बच्चों को सिर्फ मौका मिला अगले फर्दर जो लिस्ट है उसमें जाने के लिए, जाने की अब वो बच्चे जो इस कट ऑफ का हिस्सा रहेंगे उन लोगों को आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। JKSSB की अगर बात करें तो JKSSB ने किस तरीके से ये लिस्ट बनाई है, क्या फार्मूला है, अभी तक कोई स्पष्टीकरण उसका सामने नहीं आया है। लेकिन जो मैरिट लिस्ट बनाई है, उस जो अभी प्रोविजनल मैरिट लिस्ट बनाई है, जो प्रोविजनल मैरिट लिस्ट आई है वो प्रोविजनल मैरिट लिस्ट की अगर बात करें तो उस प्रोविजनल मैरिट लिस्ट के अंदर तमाम बच्चे जो हैं उन्हें पहले निकाल दिया गया है और अब सिर्फ चुंद कुछ बच्चे जो हैं, हज़ारों की तादाद में बच्चे जो हैं वो रह गए हैं। आप इसी से अंदेशा लगा सकते हैं कि JKSSB ने पहले लाखों बच्चों को मौका दिया बैठने का, उसके बाद पहले लिस्ट में तमाम बच्चों को मार्क्स शो कर दिए कितने मार्क्स आपके आगे हैं, जिसमें ये लिखा गया था कि 25 वाला मार्क बच्चा जो था वो भी सेक्टर दिखाई दे रहा था, 30 वाला बच्चा भी सेक्टर दिखाई दे रहा था। तमाम लोगों को ये जो थी अपेक्षा थी कि शायद हम सेक्टर हो चुके हैं, लेकिन दो दिन पहले प्रोविजनल लिस्ट आती है, उस प्रोविजनल लिस्ट में तमाम बच्चों को बाहर कर दिया जाता है और सिर्फ कुछ बच्चे जो हैं हज़ारों की तादाद में बच्चों को रखा जाता है। उसके बाद कल कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी जाती है जिसमें सबसे कम जो डिस्ट्रिक्ट है वो बारामूला है। बारामूला का 36 पॉइंट रखे गए हैं। उसके अलावा सारी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर की, उनका जो कट ऑफ है चाहे कैटेगरी का है चाहे ओपन का है वो 50 प्लस का है। तो आप अंदेशा लगा सकते हैं कि कितने बच्चे यहाँ से बाहर हो गए हैं। अब जो मैरिट निकाला गया है, मैरिट भी तीन तरह का निकाला गया है। पहले डिविजनल बेसिस का मैरिट निकाला गया है, कट ऑफ लिस्ट जो निकाली है पहले पॉइंट्स जो हैं वो दिखाए गए हैं कि कट ऑफ में कितने पॉइंट्स जाएंगे, वो है डिविजनल का, फिर है यूटी का, फिर है डिस्ट्रिक्ट का, और डिस्ट्रिक्ट वाइज में तमाम वो बच्चे जो डिस्ट्रिक्ट के हिस्सा है जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट में भरा था। और अब आप लोगों के दिमागों में ये भी सवाल उठेगा कि हमने प्रेफरेंसेस भी भरी थी, तो अब JKSSB उसको भी कंसिडर करेगा, यानी कि अगर आपने डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया था और अगर आप डिस्ट्रिक्ट के कट ऑफ में फॉल करते हैं तो आपकी प्रेफरेंसेस अब यहाँ पर जो है वो लाई करेंगी, यानी कि अब वो देखा जाएगा कि आपकी प्रेफरेंस जो है वो वाकई में जो प्रेफरेंस भरी है उसमें आप फॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जो आपने डिस्ट्रिक्ट्स भरी होंगी उन डिस्ट्रिक्ट्स में आप किस डिस्ट्रिक्ट में फॉल करते हैं, शायद आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे दी जाए। अब जिन बच्चों ने डिवीज़न में अप्लाई किया था, डिवीज़न कैडर में अप्लाई किया था और वो डिवीज़न के मेरिट में आ रहे हैं, डिवीज़न के कट ऑफ में आ रहे हैं, उन बच्चों को JKSSB जो है उनकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से देखेगा कि डिवीज़न में उन्होंने जो प्रेफरेंसेस जो डिस्ट्रिक्ट भरी थी क्या उस डिस्ट्रिक्ट में कहीं वो फॉल करते हैं, अगर करते हैं तो प्रायोरिटी जो है उन बच्चों को वहाँ पर भी दी जाएगी। उसके अलावा अगर बात करें तो जिन बच्चों ने जो यूटी कैडर में जो था वो अप्लाई किया था, वो बच्चे जो हैं उन बच्चों को देखा जाएगा कि यूटी का जो कट ऑफ है उसमें जो प्रेफरेंसेस भरी हैं उन्होंने कहाँ कहाँ भरी हैं, किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में भरी हैं, अगर वो वहाँ फॉल कर रहे होंगे तो उन्हें वहाँ भी चुना जाएगा। लेकिन अब जितने बच्चों को चुना गया है इन सबको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इन सबको अपनी डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई करवाने के लिए वहाँ पहुँचना पड़ेगा। डेट और समय जो है वो JKSSB तय करेगा। एक बहुत बड़ा सवाल JKSSB के ऊपर अभी भी है और JKSSB को उसका जवाब बच्चों को देना होगा। जिन बच्चों को 5 पॉइंट्स नहीं मिले, बड़े सारे बच्चे हैं जिनको अभी भी 5 पॉइंट कंसीडर नहीं हुए, कुछ बच्चों ने जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट कैडर पे भरा उनको 10 पॉइंट मिलने थे उनको भी नहीं मिले, तो बड़े सारे डाउट्स हैं जो बच्चों के क्लियर करना बनता है और JKSSB को इस चीज़ को जो है वो सामने आकर क्लियर करना चाहिए। आखिरकार उन बच्चों को 5 पॉइंट्स जो हैं वो क्यों नहीं दिए गए। कुछ बच्चों को दिए गए हैं, हम ये नहीं चाहते कि उनके भी कट हो जाए, लेकिन जिन बच्चों को नहीं दिए गए हैं उनके 5 पॉइंट्स जो हैं
उन्हें कंसीडर किया जाना चाहिए। हम ये अपील करते हैं कि JKSS भी कोई फंडा निकाले जिससे जिन बच्चों को जो मार्क्स मिलने थे एडिशनल, वो मार्क्स उनको मिलने चाहिए। बड़े सारे बच्चे हैं जिन्होंने मेल्स कर रखी थी JKSS को, लेकिन उनको अभी तक कंसीडर नहीं किया गया है। तो हम बाहू एक्सप्रेस के माध्यम से JKSS के आगे अनुरोध करते हैं कि आप बच्चों के, जिन बच्चों को 5 मार्क्स नहीं मिले हैं उन बच्चों को 5 मार्क्स मिलने चाहिए। तो ये और बाकी आप लोग जो हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बाहू एक्सप्रेस पर। मुझे रितु अग्रवाल को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।